हेलो दोस्तों, रेल बुलेट 91 में आपका स्वागत है। आप देख रहे हो रेल बुलेट 91। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं आज के टॉप टेक करंट अफेयर से, क्या कुछ क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं और उनके क्या सही जवाब होंगे और उनसे रिलेटेड क्या क्या फैक्ट हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले सवाल के साथ। तो आज का पहला सवाल है, अनाधिकृत पानी की बोतलों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए RPF द्वारा देश भर में किस नाम से अभियान चलाया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑपरेशन थ्रस्ट। स्पष्टीकरण की बात करें तो ऑपरेशन थ्रस्ट के दौरान 1300 गैर भारतीयों को अनाधिकृत ब्रांडों के पानी की बोतलें बेचने के मामले में रेलवे अधिनियम की धारा 144 और 153 के तहत गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान नकली पीने के पानी की कुल 93,294 बोतलें जब्त की गई है और अपराधियों से जुर्माने के तौर पर कुल 680,855 रुपये वसूल किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस मालवेयर ने डाइक्रोड एंड्रॉइड फोन को प्रभावित किया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, एजेंट इस्मत। स्पष्टीकरण की बात करें तो विश्व भर में करीब 2.5 करोड़ एंड्रॉइड स्मार्टफोन एजेंट स्मार्ट वायरल की चपेट में है। रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से भारत के 1.5 करोड़ फोन प्रभावित हुए हैं। यह वायरल गूगल से जुड़े ऐप के जरिए आए हैं। इस वायरल ने हिंदी, अरबी, रूसी और इंडोनेशियाई भाषा बोलने वाले लोगों को सबसे ज़्यादा निशाना बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में DGCA ने पूर्वकालीन महानिदेशक का पदभार संभाला है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, अरुण कुमार। स्पष्टीकरण की बात करें तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने अतिरिक्त सचिव व वित्तीय सलाहकार अरुण कुमार को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA ने पूर्वकालीन महानिदेशक नियुक्त किया गया है। 1989 बैच के हरियाणा कैडर के OIAS अधिकारी कुमार 31 मई 2019 को पूर्व महानिदेशक BS बुलर के सेवानिवृत्त होने के बाद इस पद पर अतिरिक्त प्रभाव संभाल रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि देश ने हाल ही में इजराइल टैंक रोधी स्मैक मिसाइलों को खरीदने के लिए सौदा किया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत। स्पष्टीकरण की बात करें तो भारतीय रक्षा मंत्रालय ने सेना की आपातकालीन सुरक्षा के उद्देश्यों को देखते हुए इसराइल में बने एंटी टैंक ग्लाइडेड मिसाइलों को स्माइक मिसाइल खरीदने के लिए भारतीय सेना का आदेश दिया था। यह मिसाइल सटीक निशाने लगाने पर एक बंकरों को भेजने की बेखूबी क्षमता रखती है। ये मिसाइल वाहनों के साथ साथ हेलीकॉप्टर, जहाज और ग्राउंड लॉन्चर से भी चलाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस विदेश मंत्रालय में सचिव वाणिज्य, पासपोर्ट, वीजा और प्रवासी भारतीय मामले में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, विकास स्वरूप। स्पष्टीकरण की बात करें तो उन्होंने 1 अगस्त 2019 विदेश मंत्रालय में सचिव वाणिज्य, पासपोर्ट, वीजा और प्रवासी भारतीय मामले के रूप में विकास स्वरूप नियुक्त किया गया है। इससे पहले इस पद पर संजीव अरोड़ा तैनात थे। उन्होंने 25 जनवरी 2019 को पदभार ग्रहण किया था। इससे पहले संजीव अरोड़ा लेबनान में भारत के राजदूत थे। भारत विदेश सेवा के 1986 बैच के अधिकारी विकास स्वरूप वर्तमान में ओटावा में भारत के उच्चायुक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस कंपनी द्वारा अमेरिका सॉफ्टवेयर कंपनी रेड हैट का अधिग्रहण किया गया है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, IBM। इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM $34 अरब में अमेरिका सॉफ्टवेयर कंपनी रेड हैट का अधिग्रहण किया गया है। इस अधिग्रहण में IBM के क्लाउड बिजनेस को मजबूती मिलेगी। रेड हैट एक अमेरिका बहुराष्ट्रीय सॉफ्टवेयर कंपनी है। यह उद्योगों को अपने सोर्स सॉफ्टवेयर उत्पाद उपलब्ध करवाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत का कौन सा स्थान विश्व का 9वां सबसे महंगा ऑफिस लोकेशन है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कनॉट प्लेस, दिल्ली। स्पष्टीकरण की बात करें तो राष्ट्रीय राजधानी के कनॉट प्लेस इलाके ने 2019 जनवरी-मार्च अवधि के लिए अपने 9वें सबसे महंगे जगह के टैंक को बरकरार रखा है। इसके औसत ऑक्यूपेंसी कीमत $143.97 9,800 रुपये प्रति वर्ग फीट है। इसके औसत एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है कि इस सूची में शीर्ष पर हांगकॉन्ग सेंट्रल लगातार दूसरे साल बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
हाल ही में इनमें से किस फील्डर ने एक वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा कैच पकड़ने का रिकॉर्ड बनाया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, जो रूट। स्पष्टीकरण की बात करें तो जो रूट ने अब तक वर्ल्ड कप 2019 में 12 कैच पकड़ लिए हैं, जो एक फील्डर द्वारा एक वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में पकड़े सबसे ज़्यादा कैच हैं। जो रूट ने पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग ने साल 2003 के वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा कैच पकड़े थे। एक वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा कैच पकड़ने वाले खिलाड़ी 12 कैच पकड़े जो रूट इंग्लैंड वर्ल्ड कप 2019 में, 11 कैच पकड़े रिकी पोंटिंग ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप 2003 में, 10 कैच पकड़े फाफ डी प्लेसी साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप 2019 में। आज का लास्ट सेगमेंट पूरा हो चुका है और पिछले वीडियो का सवाल, हाल ही में भारत आसियान त्रिगुट व्यापार मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत। और आवाज़ का सवाल आपके लिए, इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर कितने साल बाद विश्व कप फाइनल में पहुंच गए हैं? अपने जवाब को कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और देखते रहे रेलवे 91। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।